नेशनल न्यूज़ के नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे चर्च के बारे में बताएंगे जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आप इस चर्च को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। इस चर्च को देखकर लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में मसीही बरादरी को मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए हर सहूलत मुयसर होगी, मगर ये बरादरी फौतगी के वक्त मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि बाजोड़ में मसीही बरादरी के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं। मेरा नाम मिसेस यूसुफ है। आखिरी बार जो फौतगी हुई थी वो मेरे शोहर के बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ के थी। उस वक्त हमें परेशानी और मुसीबत ज़दा हालात आए थे। वो ये थी कि हमें टेंशन थी कि हम डेड बॉडी को लेकर कहाँ जाएं। अचानक बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल था। हम सब ईद की तैयारियों में थे। जब ईद की तैयारियों में ऐसा वाक़या पेश आए तो बहुत मुश्किल में फंस गए। बड़ा सदमा था। जैसे ही जेठ फौत हुए तो रात के 12 बजे का वक्त था और 24 दिसंबर का दिन था और हम डेड बॉडी को नौशहरा ले गए। 40 सालों से बाजोड़ में आबाद मसीही बरादरी के लिए नौशहरा का कब्रिस्तान 150 किलोमीटर दूर है। इस तरह के अचानक मौत से ना सिर्फ दुख ज्यादा होता है बल्कि हमें कब्रिस्तान की परेशानी भी होती है और पैसों की भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैयत को ले जाने पर 40 से 50 हज़ार तो लाजमी खर्च होते हैं। इसके अलावा मेहमानों की तवाज़ा और जनाजे की रसूमात के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। बाजोड़ इंतज़ामिया का कहना है कि मसीही बरादरी के लिए कब्रिस्तान तब ही बनाया जा सकता है जब हुकूमत फंड्स मुहैया करे।